स्टूडेंट्स क्लास 9th एसएसटी में जो हिस्ट्री का आपका फर्स्ट लेसन चल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रही थी। इससे पहले जो तीन पार्ट्स यहाँ पर डाल दिए गए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं। इस चैनल में तीन पार्ट्स में कैसे फ्रांस जो है एक मोनार्की कंट्री से रिपब्लिक कंट्री बनता है और उसमें किस आंदोलनों का किन कलवों का क्या क्या रोल इम्पोर्टेंस उसमें है। चौथे पार्ट्स में आप लोग देखेंगे कि कैसे वुमेन्स जो महिलाएं थी इनके लिए भी क्रांति हुई, महिलाओं का क्या सहयोग रहा इस क्रांति में। फोर्थ पार्ट में हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑशियन वुमेन। यहाँ पे एक पिक्चर दी है कि वर्षाई जो है वर्सलीज की ओर कूच कर रही हैं जो पेरिस की जो औरतें हैं। ये जो है 5 अक्टूबर 1789 का ये पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। सो लेट अस स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ हिस्ट्री लेसन का चौथे पार्ट। वहाँ महिलाओं का जो योगदान है उसको समझेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्रारंभ से ही जो है वुमेन और एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेज इन फ्रांस सोसाइटी। फ्रांस के समाज में बहुत सारे चेंजेज लाने वाली जो गतिविधियां हैं उसमें सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से जो है महिलाएं शामिल थी। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। उनको ये होप थी, ये उम्मीद थी कि उनकी जो अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे क्रांति में, सरकार को जो है उनका जो लाइव्स है इम्प्रूव करने के लिए, जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगी गवर्नमेंट, ये उनको होप थी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। अब अधिकांश जो वुमेन्स थी अपनी लिविंग के लिए, जीविका के लिए काम करती थी थर्ड स्टेट की, तीसरे स्टेट की। दे वर्कड एज सीम्स स्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट मार्केट और वह एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ अ प्रॉस्परस पीपुल। अब ये लोग क्या काम करते थे, देखो वो ये सिलाई बुनाई का काम करते थे, सीम स्ट्रेस या लॉन्ड्री मीन्स कपड़ों की जो धुलाई थी, और सोल्ड फ्लावर्स या फूल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को बेचना मार्केट में जाके, और बहुत सारी औरतें जो संपन्न लोग थे उनके घरों में काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। अब ज़्यादातर जो वुमेन्स थी, अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या इस प्रकार की जॉब ट्रेनिंग, व्यावसायिक जो प्रशिक्षण था वो नहीं था वहाँ पे। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट। केवल जो धनी वर्ग कुलीन वर्ग के बच्चे थे उनकी जो लड़कियां थी धनी परिवार की लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड मैरिज फॉर देम। उसके बाद उनकी शादी मैरिज कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। दिस इज कुक फेच वाटर क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। अब जो कामकाजी महिलाएं थी वर्किंग वुमेन थी, उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, इसके लिए वो कुकिंग है, फेच वाटर पानी लाना है, या क्यू ऑफ लाइन में लगना है किसके लिए, ब्रेड के लिए या बच्चों की देखभाल करना, इस प्रकार के काम उनको करने पड़ते थे। देयर वेज लोअर देन दोज मैन। अब जो वर्किंग वुमेन थे उनके जो वेज थे मीन्स मजदूरी मिलती थी बहुत कम मिलती थी पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट बेरा, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड बॉयज देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड योर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज पेपर। महिलाओं ने अपने हितों के अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए मीन्स अपने आवाज़ को उठाने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू किए और न्यूज़पेपर निकालने शुरू किए।
अबाउट 60 वुमेंस क्लब केम ऑफ इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, फ्रांस के जो है अलग अलग सिटीज में 60 जो है क्लब अस्तित्व में आए उस समय ही। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अब जो सोसाइटी उस समय की, जो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे फेमस क्लब था उनमें से। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाएं भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त होने चाहिए। वोमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम पैसिव सिटीजन। अब महिलाएं इस बात से डिसअपॉइंटेड, निराश थी हुई थी जब 1791 में संविधान ने उनको पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया था, मीन्स निष्क्रिय सिटीजन उनको बोला था संविधान ने। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। उन्होंने महिलाओं का जो मताधिकार है और जो असेंबली के लिए चुने जाने का अधिकार है, राजनीतिक पदों पर अपने को रखने की मांग उन्होंने रखी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। उनका ये मानना था, ओनली देन दे फेल्ट, ये मानते थे वो लोग कि जब नई सरकार आएगी तो उनके हितों का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हो पाएगा, प्रतिनिधित्व उनके हितों के लिए हो पाएगा। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वोमेन। प्रारंभिक जो अर्ली ईयर थे, प्रारंभिक वर्षों में जो है सरकार ने महिलाओं का जो लाइफ है, वुमेन्स की लाइफ, उनको सुधार लाने के लिए कुछ कानून बनाए। टुगेदर विथ द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स। सब जो सरकारी विद्यालय हैं स्टेट के, इनकी स्थापना के साथ साथ जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको कंपल्सरी बना दिया गया। दियर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इंटू मैरिज अगेंस्ट दियर विल। उनके जो फादर्स थे मैरिज के लिए उनको फोर्स, बाध्य नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ वो नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट, अब देखो ये एजुकेशन मिलने के साथ साथ फ्रांस में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। मैरिज वॉज मेड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब जो शादी है उसको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट, स्वैच्छिक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अनुबंध माना गया, और सिविल जो लॉ था नागरिक कानून के तहत तो उनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, तलाक को भी कानून का रूप दे दिया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ मैन एंड वोमेन, और दोनों उसमें अप्लाई कर सकते, अर्जी देने का अधिकार दोनों को, मर्द और औरत दोनों को दिया गया। वोमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब, वोमेन जो है ट्रेन फॉर जॉब मीन्स व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। कुड बिकेम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, और आर्टिस्ट भी बन सकती थी और छोटा मोटा जो व्यवसाय है वो भी वुमेन अब चला सकती थी। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड। अब वुमेन का जो संघर्ष है वो जारी रहता है राजनीतिक अधिकारों को लेने के लिए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वोमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब जो आतंक का राज था, मीन्स जो रोबेस्पियरी का राज था, जिससे पहले आपने पढ़ा पिछले पार्ट्स में, उस दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया, महिला वोमेन क्लब जो थे उनको बंद करने और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाई। मनी प्रोमिनेंट वोमेन वो अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देन एग्जीक्यूटेड। अब बहुत ज़्यादा वोमेंस को जो है, जो जानी मानी वोमेंस थी, प्रोमिनेंट नाम था जिनका, उनको अरेस्ट, गिरफ्तार कर दिया गया और कुछ को एग्जीक्यूटेड मीन्स फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। वोमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर इन मनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो वुमेंस का मूवमेंट है,
समान जो वेज है, इक्वल वेज या वोटिंग राइट्स है, अगली सदी में भी अन्य देशों में महिलाओं का आंदोलन चलता रहा, अदर कंट्रीज में भी। द फाइट फॉर द वोमेन वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अब जो मताधिकार का संघर्ष है, सफरेज मूवमेंट में से वोटिंग राइट्स का जो संघर्ष है, 19th सेंचुरी के अंत से लेके और 20th सेंचुरी के फर्स्ट प्रारंभ तक जो है अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहता है, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट जिसको बोला गया है। द एग्जाम्पल ऑफ द पोलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर वो किप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। अब क्रांतिकारी आंदोलन जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, उस दौरान फ्रांसीसी जो वुमेन्स थी उसकी राजनीतिक जो सरगर्मियां थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कार्यकलाप थे, उनको एक इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में जिंदा रखा गया। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वोमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। अब देखो, इतने संघर्ष के बावजूद 1946 में वोमेन्स को मताधिकार प्राप्त हुआ, वोट देने का अधिकार उसके द्वारा प्राप्त किया गया। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वोमेन ओलंपिक डी ग्यूथ। अब क्रांतिकारी महिला के बारे में यहाँ पर ओलंप दे गूज के बारे में यहाँ पर दिया है। ओलंप दे गूज वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ अ पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन रिवोल्यूशनरी इन फ्रांस। फ्रांस में सबसे ज़्यादा सक्रिय महिलाओं में और सबसे महत्वपूर्ण महिला ये थी। सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एट दे एक्सक्लूडेड वोमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट। अब उनने क्या किया, देखो जो पुरुष और नागरिक का जो डिक्लेरेशन था राइट्स का, उसका विरोध किया, क्योंकि उनमें महिलाओं को, मेंस को जो बेसिक राइट्स थे उससे अलग रखा गया था, मीन्स बेसिक राइट्स वुमेन्स को नहीं दिए गए थे। सो इन 1791 सी रोट्स द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। अब 1791 में उन्होंने वुमेन्स महिलाओं एवं नागरिक के जो अधिकार हैं वो घोषणा पत्र तैयार किया। सी एड्रेसेस टू क्यून एंड टू द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। और जिसे महारानी क्यून और जो नेशनल असेंबली है उन सदस्यों को भेजा, डिमांडेड और मांग की दैट द एक्ट अपॉन इसमें जो है कार्रवाई की जाए। अब 93 में ओलंपिक डी ग्यूज क्रिटिसाइज द जेकोबियन गवर्नमेंट नॉट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वोमेंस क्लब। जो जेकोबियन गवर्नमेंट यहाँ पर आई थी 93 में, उस गवर्नमेंट की आलोचना ओलंपिक डी ग्यूज ने की, क्योंकि महिलाओं के जो क्लब थे उनको ज़बरदस्ती बंद करवाने के लिए इसने रूल बनाए थे। शी वॉज ट्राइड बाई नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विथ ट्रीजन। अब नेशनल कन्वेंशन के द्वारा उस पर देशद्रोह का, ट्रीजन का मुकदमा दर्ज किया गया। सून आफ्टर दिस सी वॉज एग्जीक्यूटेड, इसके तुरंत बाद उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट वोमेन वन वुमेन्स आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर वोटिंग राइट्स। ओलंपिक डी ग्यूज बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है फ्रांस की, और कुछ बेसिक राइट्स सेट फोर्थ यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ ओलंपिक डी ग्यूज के जो मूल अधिकार क्या होने चाहिए उनने जो बताया था, उनने लिखा है कि वुमेन्स इज बोर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल मैन इन राइट्स, में जन्म से स्वतंत्र होती है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ वोमेन एंड मैन दीज राइट्स। अब देखो उनने क्या बोला कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल एसोसिएशन संगठन है उनका लक्ष्य पुरुषों और महिलाओं को जो नेचुरल राइट्स, नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। अब ये अधिकार क्या है, जैसे लिबर्टी का राइट है, स्वतंत्रता का, प्रॉपर्टी संपत्ति का, सुरक्षा का, अबोव ऑल रेसिस्टेंस ऑपरेशन मीन से जो शोषण के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार है। थर्ड पॉइंट है
द सोर्स ऑफ ऑल सोवर्जिनिटी रिसाइड्स इन द नेशंस विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। थर्ड राइट्स में वो कहती हैं कि जो संप्रभुता है, सोवर्जियन है का जो स्रोत है वो राष्ट्र है, एक देश है जहाँ पे पुरुष और महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। फोर्थ, द लॉ शुड बी एक्सप्रेशंस ऑफ ऑल जनरल विल, ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव अ से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स फॉर्मुलेशंस। कानून की जो जनरल विल है, लॉ की, कानून की जो इच्छा है वो अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी वुमेन्स और मैन, कोई भी नागरिक है उनको व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें जो नियम कानून बनते हैं उसमें उसका विरोध या सपोर्ट होना आवश्यक है। इट शुड बी सेम फॉर ऑल, सबके लिए समान होना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन देन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स। अब उनने ये बात भी कही कि महिला पुरुष अपनी टैलेंट, योग्यता, प्रतिभा के बल पर समान रूप से जो है बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक जो पद हैं उनको लेने का अधिकार उनको होना चाहिए, कोई डिस्टिंक्शन उनके बीच में नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट वो बोलती हैं, नो वोमेन इज एन एक्सेप्शन, महिला, कोई भी महिला अपवाद नहीं है। सी इज एक्यूज्ड, वह जो है अपराधी हो सकती है, अरेस्ट, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, एंड डिटेन्ड इन केस डिटरमाइंड बाय लॉ, और गिरफ्तार के बाद डिटेन्ड मीन्स नज़रबंद उसको कराया जा सकता है जैसा कि कानून के द्वारा होता है। वोमेन्स लाइक मैन ओबे दिस रेगियस लॉ, वोमेन को भी महिला पुरुषों की तरह जो है इस कठोर कानून का पालन करना चाहिए। वोमेन्स क्यूइंग अप बेकरी, अब देखो यहाँ पे बेकरी की दुकान में किस प्रकार ब्रेड लेने के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है महिलाओं की। फिफ्थ पार्ट जो है इसमें स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने फोर्थ पार्ट इसमें देखा कि फोर्थ हेडिंग में किस प्रकार वुमेन्स का रोल और उनका संघर्ष फ्रांस में किया गया। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी मीन्स दास प्रथा जो चलती थी पहले प्राचीन काल में, उसका अबोलिशन कैसे हुआ। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जेकोबियन रिजीम वॉज अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। कलो फ्रांस की जो कैलो उपनिवेश था, कॉलोनी थी, वहाँ पे दास प्रथा का जो अंत है जेकोबियन शासन काल के सामाजिक सुधारों में एक है, क्रांतिकारी जो सोशल रिफॉर्म, रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म में एक ये सुधार भी है कि उनने स्लेवरी का एवोल्यूशन किया। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, अब जो कैरिबियाई जो थे जैसे मार्टिनिक है, गाडलेप है, एंड सैन डोमिंगो है, वर इम्पोर्टेंट सप्लाई कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। वहाँ से तंबाकू है और इंडिगो, नील और चीनी, शुगर और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की सप्लाई वहाँ से होती थी। बट द रिलेक्टेंट ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। अब जो अनफेमिलियर लैंड में जाएंगे, वहाँ पर जो दूर देश से काम करने के प्रति जो यूरोपियों जो है रिलेक्टेंट्स में से अनिच्छा थी, क्योंकि वहाँ पे बागानों में काम करना पड़ता था, वहाँ पे यूरोपियन लोग नहीं जाते थे। सो दिस वॉज मेड बाय अ ट्रिंगल स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब इस कारण से, इस कमी को दूर करने के लिए जी बागानों में कोई लेबर काम करे, इसके लिए अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, ये त्रिकोणी ट्रिंगल जो स्लेवरी दास का व्यापार है इसके द्वारा उसको पूरा किया गया। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड
फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेस्क एंड नांटेस टू द अफ्रीका कोस्ट। अब यहाँ पे दास व्यापार में 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ, जहाँ पे फ्रांस के जो सौदागर थे बोर्डे और नांते बंदरगाह जो पोर्ट था वहाँ से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे वे दे जहाँ वे बोर्ड स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेंस, जहाँ पर जो स्थानीय सरदार होते थे उनसे दास खरीदते थे वो लोग। ब्रांडेड एंड सेकल्ड द स्लेव। अब दासों को जो है हथकड़ियाँ पहनाकर, उनके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर, स्लेव व पैक्ड टाइटली इन टू शिप फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द एटलांटिक टू द कैरिबियन। देखो कितनी गंदी दासपरता थी। उनको जो है स्थानीय सरदारों से खरीद के दासों पर हथकड़ियाँ डालकर और दाग कर्मी से पहचान लगाकर अटलांटिक महासागर जो है वहाँ से पार करके कैरिबियाई जो देश हैं 3 महीने की वोयेज समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस कर भर कर उनको ले जाया जाता था। दे वो सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, और उनको जो है प्लांटेशन ओनर मीन्स बागान के मालिकों को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट्स फॉर शुगर कॉफी इंडिगो। अब दास प्रथा के इस सिस्टम के बल पर यूरोप के बाजारों में जो है शुगर है, कॉफ़ी है, इंडिगो है, इनकी जो मांग है इनको पूरा करना धीरे धीरे संभव होता गया। जो पोर्ट सिटीज थी बहुत फेमस, बोर्डेक्स एंड नांतेज ऑन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू फॉलो फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। अब स्लेव ट्रेड के कारण मीन्स दास प्रथा का जो तो ट्रेड होता था इसके कारण बहुत समृद्ध नगरीय बन गए थे, प्रॉस्परस नगरीय बन गए थे। थ्रू आउट द सेंचुरी 18वीं सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। अब 18वीं शताब्दी में दास प्रथा की ज़्यादा जो है निंदा क्रिटिसिज्म में तो नहीं हुई, बहुत कम लिटिल क्रिटिसिज्म वहाँ पर हुई। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, जो बेसिक राइट्स हैं, उसको कॉलोनीज में जो है वहाँ पर रहने वाली जो जनता है, चाहे फ्रांसीसी प्रजा हो, उनको अधिकार दिए जाए या नहीं दिए जाए, मीन्स जो अधिकार फ्रांस में मिले हैं उनको कॉलोनीज में लागू किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर बहुत बड़ी डिस्कस वहाँ पर होती है। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हु इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। अब दास प्रथा जो व्यापार था उस पर व्यापारी उनके जो व्यापारी थे उनके विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई ऐसा कानून जो है पारित उस समय नहीं किया गया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव इन फ्रेंच ओवरसीज पोजिशंस। अब 94 में के जो कन्वेंशन था उसमें फ्रांसीसी जो कॉलोनीज थी सभी दासों को मुक्त किया जाए, ऐसा कानून, सभी स्लेव को फ्री किया जाए, ऐसा कानून उस समय बनाया गया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। 10 ईयर लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। अब यह कानून जो है शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटी सी अवधि के लिए लागू रहा। 10 साल के बाद, 10 ईयर के बाद नेपोलियन ने स्लेवरी दास प्रथा फिर से शुरू कर दी। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज। अब जो बगान मालिक थे वहाँ के, जो प्लांटेशन ओनर थे, उन लोगों ने अपने इकोनॉमी, अपने हित के लिए, आर्थिक हित के लिए अफ्रीका देश के जो निग्रो थे उनको
जो है इन परस्यूड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनको गुलाम बनाने की उनको छूट मिल गई। स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। अब फ्रांसीसी जो कॉलोनीज थी अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। दिस इज द पिक्चर ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, मीन्स दास मुक्ति की ये पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। और जहाँ पे एक बैनर, इसमें नारा है ह्यूमन राइट्स करके, मनुष्य के अधिकार। और नेक्स्ट पार्ट से है इसका रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ और रिवोल्यूशन मीन्स जो जिंदगी थी उसको रिवोल्यूशन का क्या असर पड़ा, फ्रांसीसी क्रांति का क्या असर रोजाना वाली जिंदगी में पड़ा। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर एंड द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या राजनीति जो है, पहनावा जो लोग पहनते हैं, या उनकी बोलचाल है, या पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं, उनको बदल सकती है। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस ऑफ लाइफ ऑफ मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन। अब 1789 के बाद फ्रांस में जो है पुरुषों और महिलाओं, वोमेन्स और चिल्ड्रन के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। अब क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्हें कानून बनाकर जो स्वतंत्रता, लिबर्टी और समानता, इक्वलिटी के आदर्शों को जो एवरीडे लाइफ, एवरीडे प्रैक्टिस था, उसमें स्वतंत्रता रहे और इक्वलिटी रहे, इन चीज़ों को, इन आदर्शों को उतारने की कोशिश की। वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इंटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल इन द समर ऑफ 1789 वॉज अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब बास्टिल का जो स्टॉर्म मीन्स विध्वंस हुआ 1789 की गर्मी समर में, उनमें से महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, वो है सेंसरशिप की समाप्ति। उस समय हुई थी सेंसरशिप की समाप्ति। इन द ओल्ड रिजिम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसस ऑफ किंग। अब उस समय देखो, सेंसरशिप की समाप्ति के बाद जो भी चीज़ें, जैसे रिटन जो मटेरियल था, लिखित सामग्री, बुक्स, न्यूज़पेपर या प्लेज होते थे, उनको पब्लिश करना होता था, या किसी नाटक को या कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ भी अगर करनी होती थी, तो राजा की अनुमति वहाँ पर लेनी होती थी। राजा के जो सेंसर अधिकारी थे, उनके पास होने के बाद, उनके द्वारा पास किए जाने के बाद, ऐसी चीज़ें पब्लिश या मंच में ऐसी चीज़ें की जा सकती थी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट्स। परंतु जो जो मैन और सिटीजन्स का राइट्स आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हुआ, अधिकारों का घोषणा पत्र, उनने क्या किया, जो अभिव्यक्ति है स्वतंत्रता की और जो नेचुरल राइट्स हैं, उनको घोषित कर दिया कि लोगों के नेचुरल राइट्स क्या हैं। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर फ्लोडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इन टू द कंट्री साइड। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स और अखबार, पैम्पलेट, पर्चे और जो बुक्स थी और प्रिंटेड जो पिक्चर्स थे, उनकी फ्लड में से बाढ़ आ गई और तेज़ी से वो गांव, विलेज वाले एरिया तक जा पहुँचे। टाउन से न्यूज़, कंट्री साइड में से देहात वाले, गांव वाले एरिया तक। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस्ड द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस में जो उन दिनों घटनाएं घट रही थी, जो चेंजेस आ रहे थे, उन पर अब बातें और टिप्पणियां होती थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्ट दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड।
प्रेस की जो स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी प्रकार की घटना पर परस्पर जो विरोधी विचार हैं उनको हम व्यक्त कर सकते हैं, अपोजिंग व्यू किसी भी इवेंट पर व्यक्त कर सकते हैं। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स अपोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। अब प्रिंट के माध्यम से एक पक्ष ने दूसरे का जो है उपयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण, उसका क्या व्यूज है, क्या पोजीशन है, उसको समझाने की कोशिश कर सकता। प्ले सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब नाटक या सॉन्ग संगीत या जो उत्सव होते थे फेस्टिव्स, उसमें जो है असंख्य लोग जो है अब जाने लगे। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रेप्स एंड आइडेंटिफाई विद आइडिया सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। अब देखो, राजनीतिक या जो दार्शनिक लोग थे उनका जो लिखने का तरीका था, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर लिखते थे, उनको समझने और उनसे जुड़ने का लोकप्रिय तरीका ये था कि किताबों को जो पढ़ने के लिए केवल मुठ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल किताबों को पढ़ते थे, और जो लिबर्टी और जस्टिस के बारे में राजनीतिक और दार्शनिक लेखों को समझाने के लिए एक लोकप्रिय तरीका था शिक्षित लोगों को पहुंचाने के लिए अपने विचारों को। द पैट्रियोटिक फैच रिड्यूसिंग प्रेस, दिस इज द पिक्चर यहाँ पर दे रखा है कि कैसे देश भक्त पैट्रियोटिक जो है यहाँ पर मोटापा घटाने के लिए जो मशीन है उसका यूज कर रहे हैं। एक चित्र जो अनोनिमस अज्ञात चित्रकार के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और नेक्स्ट पार्ट्स है इसका, यहाँ पर एड्रेसिंग द पीपुल, यहाँ पर जो है मराठ जनता को संबोधित कर रहे हैं, इसकी भी पेंटिंग यहाँ पर है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, लास्ट पार्ट बचा है इसका, सारांश जिसको हम कहते हैं। कंक्लूजन में नेपोलियन के बारे में यहाँ पर कुछ दे रखा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस पोजिंग डायनेस्टीज। अब उसने क्या किया, यूरोपीय देशों की विजय यात्रा उसने जो नेबरिंग कंट्रीज थे शुरू की, पुराने जो राजवंश थे वहाँ के, एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। पुराने जो राजवंश हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और नेपोलियन जो है खुद को जो है यूरोप के आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन का एक दूत मानता था, मॉडर्नाइज करना चाहता था वो यूरोप को। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉ सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। उसने जो है निजी संपत्ति जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसकी सुरक्षा के कानून बनाए, और डेसिमल सिस्टम या वेट नाप तौल पर एक समान प्रणाली, एक सिस्टम वहाँ पर चलाया। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपुल। अब बहुत सारे लोगों ने ये देखा उस समय कि नेपोलियन, शुरू शुरू में नेपोलियन एक मुक्तिदाता उनको लगता था, बहुत अच्छा सम्राट उनको लगता था, और जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद नेपोलियन से थी। बट सो नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग इन्वेडर्स, हमलावर मानने लगे। नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। ही फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। अब 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई, नेपोलियन हार गया। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड लिबर्टी मॉडर्न लॉ टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। अब
यूरोप के जो अदर पार्ट्स थे वहाँ पर कुछ इशू में लिबर्टी या जो मॉडर्न कानून थे वो फैलाने के लिए उसके क्रांतिकारियों की जो जो उपाय थे उसके रिवोल्यूशनरी स्टेप थे उसकी डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो लिबर्टी स्वतंत्रता या डेमोक्रेटिक राइट्स लोकतांत्रिक अधिकार ये महत्वपूर्ण विरासत हैं आज भी फ्रांस रिवोल्यूशन के। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इसी के कारण जो यूरोप से फ्रांस के देश से यूरोप में फैले हुए जो फ्यूडुअल सिस्टम जो सामंती व्यवस्था थी इसी फ्रांसीसी की क्रांति के कारण और जगह भी समाप्ति हुई सामंती व्यवस्था की। कॉलोनाइज्ड पीपल रिवोक्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट सोवर्जियन नेशन स्टेट। और जो कॉलोनाइज लोग थे मीन्स जो उपनिवेश में रहते थे ये संपूर्ण राष्ट्र स्थापना उन्होंने अपने आप एक सोवर्जिनिटी राष्ट्र का निर्माण सोवर्जियन नेशन का निर्माण ऐसे विचार उनके मन में आए। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। अब टीपू सुल्तान इंडिया के जो थे और राजा राम मोहन राय उनके जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ उनसे प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हमारे इंडिया में भी मिलते हैं। फ्रांस जो रिवोल्यूशन थी क्रांति थी उससे उन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली थी। तो लेशन कंप्लीट। राजा राम मोहन राय भी फ्रांस की जो क्रांति थी बहुत प्रभावित किया था राजा राम मोहन राय ने और उनने जानने की कोशिश की थी कि कैसे क्रांति से जो है चेंजेस आ सकते हैं। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे को और इस लेशन के सारे पार्ट्स आप यूट्यूब चैनल पे आसानी से देख सकते हैं। लेट अस फिनिश।